हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद समीर। आज मैं आपको अपने लौकी का अपडेट दिखाने जा रहा हूँ। जो प्लांट मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया था, आज उसकी काफ़ी हद तक ग्रोथ हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी इसमें काफ़ी सारे मेल फ्लावर्स भी आने लगे हैं। बहुत सारे मेल फ्लावर्स हैं, ये दो यहाँ पे हैं, 3-4 और इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। और इनको मैंने ना एक सपोर्ट के लिए ऐसे रस्सी में बांध के रखा है, जिससे कि इसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो सके। मैंने इसे एक गमले में लगाया हुआ है, इस तरह का एक कंटेनर था मेरे पास, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो कंटेनर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे जो रूट्स आपको वाइट वाइट दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली जड़ें हैं इनकी। और ये इसलिए बाहर ऐसे निकलने लगी, ये देखिए मेन एक है, ये बाहर निकलना शुरू हो गई है। तो ये ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि इसको जो है बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। बहुत बड़ा मतलब कम से कम 20 इंच का कंटेनर होना चाहिए, और ये आई थिंक 15 इंच का कंटेनर है। तो इसको जितना ज़्यादा बड़ा आप स्पेस देंगे, उतने अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन आप 15 इंच के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस वाइट पोर्शन को कवर करने के लिए आप क्या करिए, जैसे आप जब उसकी सीडलिंग करिए, जैसे मैंने ये करीब 15 इंच का ये कंटेनर लिया था, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए। सो गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वाइट पोर्शन है, यहाँ पे एक मेन वाली ब्रांच भी निकल आई है। तो उसको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप मिट्टी या फिर कंपोस्ट आप धीरे धीरे डालिए एकदम से। जब आप, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो कंटेनर है वो करीब 15 इंच का है, और इसमें जब मैंने सीड को लगाया था तो मैंने मिट्टी को पूरा नहीं भरा, मैंने मिट्टी को बस यहाँ तक भर दिया था, यहाँ तक, ताकि यहाँ तक भरने का मेरा ये पर्पज़ था कि अगर मैं पूरा मिट्टी भर दूंगा तो जो ग्रोथ है पौधे की वो बिल्कुल ऊपर से ही शुरू हो जाती है। तो उसकी जड़ें अंदर तक तो जाती है, लेकिन फिर वो ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ से, ये जो आप ये टहनियाँ देख रहे हैं, यहाँ से फिर इनकी ना जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ से भी रूट्स निकलने को मांगती है। तो इसलिए जब भी आप प्लांट को लगाएं, कभी भी सीडलिंग या कटिंग्स जो भी लगाएं, तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार चेक कर लें कि आप उसे कितने अंदर तक लगा रहे हैं, क्योंकि ये बेल है और जो वाइन्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है फैलने के लिए। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ हाफ में बिल्कुल कट करके आधे में लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे इसकी ग्रोथ हो रही थी, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके डालता चला गया। अब ऐसे ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी फिर से मुझे 2-3 दिन में वापस से इसमें मिट्टी से इसको थोड़ा पतली पतली लेयर आपको डालना है। एकदम से अगर आप डालेंगे तो फिर वो बहुत तेज़ी से इसकी जो रूट्स वगैरह है वो सेपरेट होकर पूरी मिट्टी को कवर करने लगती है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है, और अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि एक तरह की, ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम इस तरह के जो कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों को काटने लगते हैं और इस तरह से इसके अंदर ना होल कर देते हैं। ये कीड़े एक्चुअली पैदा कैसे होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं हमारे घरों में, मक्खियाँ, वो मक्खियाँ जब आती हैं यहाँ पे अंडे देती, तो उन अंडों से जो कीड़े पैदा होते हैं, फिर मक्खी नहीं बनते, उससे फिर ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर के वो एक तरह के कीड़े पैदा होने लगते हैं, जो कि आपके प्लांट की पत्तियों को इस तरह से नुकसान पहुँचाने लगते हैं। अगर मैंने इस पे नीम ऑयल का स्प्रे किया था, जिसकी वजह से अभी देखिए ये काफ़ी हद तक थम चुका है, और इस पे आप देख सकते हैं कि अभी इस पे बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर की सारी पत्तियां बिल्कुल क्लीन हैं। इसके सपोर्ट के लिए गाइज, मैंने यहाँ पे एक पतला सा धागा यूज़ किया था, ये इस तरह का एक धागा था मेरे पास, तो मैंने उसको यूज़ किया था, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे इसमें सपोर्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ आप कोई कैन भी, यानी कि बांस की जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, हमारे यहाँ पे कैन बोलते हैं उसको, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि बहुत बड़ा यूज़ करें, जितना बड़ा आपको स्पेस, आप जितना बड़ा उसको फैलाना चाहते हैं, जितना बड़ा आप उसको फैलाव देना चाहते हैं, उतना बड़ा आपको उसको करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसके बाद यहाँ से फिर मुझे इसको टर्न करना था, क्योंकि अगर मैं ऊपर ले जाता तो शायद मैं इसको ऊपर की ओर ग्रोथ इसकी कर नहीं पाता, और इसमें अगर कोई पेस्ट अटैक कर देते तो शायद मैं इसकी हेल्प भी नहीं कर पाता। सो इसलिए मैंने इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ से एक रस्सी टाइट करके, उसके बाद वहाँ से फिर मैंने उस पर धीरे धीरे करके ऐसे चढ़ाते चला गया। आपको उसको ऐसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ पे ये जो रस्सी है इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें धागे बांधने शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको उसमें धागा अलग से बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट आपका खुद ब खुद ही इसमें ऑटोमेटिकली एक स्प्रिंग जैसा निकलता रहता है, जो कि इन रस्सियों को ऐसे धीरे धीरे ना बांधने लगता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना परेशान होना पड़ेगा। आप बस एक बार थोड़ा सा इनको छोटा सा सपोर्ट दीजिए, उसके बावजूद उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्लांट जो है खुद ब खुद अपने आप ही जो है ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियोस में मैं इसका अपडेट दिखाता रहूँगा कि इसमें फ्रूट्स लगे हैं या नहीं लगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।